Let's go further on the issue of dark energy and dark matter. Scientists say that nearly 73% is the dark energy and 23% is dark matter. Dark energy or dark matter is something which cannot be detected by the scientist. That is why they call it dark energy or dark matter. Energy accounts for 73%, while dark matter accounts for 23%. Dark matter is the matter which is behind the matter by which all the planets and all the stars are composed of. Scientists say that planets or stars, they are composed of not only this matter, the matter which we are seeing, we are observing, but also there is hidden matter. That hidden matter is they are calling as dark matter. And behind the dark matter, there is dark energy also. And dark energy is around 73%, while dark matter is 23%. Now let us try to understand this dark energy and dark matter from the yogic science point of view. Sharmaji, what is the standpoint of yogic science on dark energy and dark matter? Dark energy jo hai, agar hum yogic science ke madhyam se adhyatmik line mein jaise jaate hain, us vakat hum ye dekhte hain ki ek अंडे में जो जिसे हम पहले से लेकर के चले हैं कि आत्मा है, आत्मा बता रहे हैं उसे, नाम कोई नहीं है, एक अंडाकार स्थिति है, उसमें नीचे की ओर एक डार्कनेस है, एक लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड में एक इस तरीके की ये खिंचाव है कि उसके अंदर अगर कोई जीव प्रवेश कर रहे हैं तो वो दिखाई नहीं दे रहे हैं. तो जब जीव दिखाई नहीं दे रहे हैं इसलिए उसे वहाँ पर लिक्विड या अगर दूसरी भाषा में दे तो साकार, हमने पहले बताया कि साकार की स्थिति है. इसे इस अंडे को हम बोल रहे हैं कि ये चीज चुंबकीय नीचे की तरफ है, इसलिए नीचे की तरफ डार्क है, इसलिए चुंबकीय सिस्टम है उसमें. अगर चुंबकीय सिस्टम ये सिद्ध करता है कि अगर ऊपर से जो हम दूसरी पोजीशन उसकी परमात्मा की है जो ऊपर स्थित है, जब वो नीचे की ओर गिरता है तो गिरने से सिद्ध होता है कि नीचे उसमें एक मैग्नेट चुंबकीय सिस्टम है, इसलिए वो नीचे की ओर गिरता है. यहाँ वहाँ रफ्तार बहुत स्लो है उसकी, मतलब कि वहाँ पे मैटर है. हाँ, वहाँ जगह पे मैटर है, पदार्थ है, पदार्थ और उसके अंदर चुंबकीय शक्ति है, चुंबकीय शक्ति, ठीक है, और इसलिए वो जो शक्ति है परमात्मा की शक्ति जिसे हम परमात्मा कहते हैं, इसलिए वो उस ऊर्जा 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 उस डायरेक्शन में, इसलिए उस ऊर्जा का उस डायरेक्शन में झुकाव है. हाँ, वो नीचे आती है, नीचे आती है, नीचे की तरफ, जैसे ही नीचे की तरफ आती है वहां पर वो मोड़ खाती है, इसलिए स्लो हो जाती है, इसलिए वो ऊर्जा को भी पकड़ पाना. डार्क एनर्जी तो वो है ही लिक्विड, इसलिए वहाँ किसी तरीके की कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं काम करने चाहिए मेरे हिसाब से, मगर ये चीज़ तो हमें दिखाई दी है वहाँ पे कि ऐसी स्थिति है. तो वहाँ पे एक चीज़ है जो ऊर्जा नीचे की ओर गिर रही है, वहाँ स्लो हो रही है, तो स्लो हो रही है, धीरे आवाज़ धीरे कर रही है, गति भी धीरे हुई है उसकी जी. तो उसके बाद में उसने ऊपर उठने में अपना बल लगाया है, तो इससे पता चलता है कि बल लगाती है तो नीचे उसमें मैग्नेट है, तो ये चीज जहाँ मैग्नेट है, वो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके अगेंस्ट बल लगाना पड़ता है. हाँ, उसके अगेंस्ट उसने बल लगाया है, तभी वो अपनी पूर्व स्थिति में जाकर के ऊपर उस अंडे के ऊपर जाकर के पुनः स्थिति में पहुंचती है. तो इसी तरीके से वो जो ऊर्जा है वो गतिमान ऊर्जा है. अब गति को इतनी गति इतनी ज्यादा है कि इतना कोई तीव्र इंस्ट्रूमेंट बने, कोई ऐसी उसमें प्रकाश भी है, तीव्र गति भी है और शब्द भी हो रहा है, तो ऐसी कोई चीज बने कि जो उस ऐसे शब्द से आगे चले और प्रकाश से भी आगे चले और उसकी गति भी बहुत तेज हो, तब वो आपके नापने में आ सकती है. तो उसकी गति तो प्रकाश की गति से बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा गति, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, फिर तो वैज्ञानिक नाप ही नहीं सकते उसे, उसको नापना असंभव है. मगर वो यौगिक साइंस के माध्यम से अगर उसको देखा जा सकता है ऐसी दृष्टि से,
जिसे बार बार दृष्टा दृष्टा कर करके बात करते या पुरुष करके बात करते के शास्त्र में, उसकी तरफ से ये देखा जा सकता है। तो देखने में वो चीज आ रही है, सुनने में भी आ रही है, दृष्टा देख सकता है उसको, दृष्टा उसको देख सकता है। मगर वो जो हमारे जो पकड़ने के माध्यम है, उसको जो मेजर करने के माध्यम है, नापने के, वो नाप नहीं सकता। दृष्टा उससे तीव्र है, दृष्टा उससे तीव्र है, बहुत गति में है दृष्टा, इसलिए वो उस नॉर्मल गति समझ को किसी भी एंगल से देख सकता उसे, उसे देखने में कोई वो नहीं है। मगर दृष्टा जो है वो किसी भी कहीं एंगल पर कहीं पर भी केंद्रित होकर देख सकता है, ये उसके अंदर एक विशेषता का विशेषता है उसके अंदर ये चीज। तो ये जो डार्क एनर्जी, जहाँ ये अज्ञानता की हम बात करें, डार्क माने अज्ञानता है, अंधकार है या अहंकार है, हम अगर इन अनेक शब्दों से अगर हम इन चीज़ों को डार्क जो बताया जा रहा, हम उसे अगर इसे लें कि इस तरीके से लें, तो ये इसका एक तरीके का जो जीवात्मा है उसमें, और जो अंडे में जो उसका अंग है, इन दोनों में ये डार्क है, अवेलेबल है। जीवात्मा तो तीन भुजाओं में डार्क भरा पड़ा है। तो ये डार्की की कैपेसिटी अगर 70-23% बता रहे हैं, तो मेरे को इसमें ठीक ही है। मैं ऐसा नहीं है कि नाप करके नहीं बताया, क्योंकि मैं एक स्थिति में रुका पड़ा हूं और मैंने चार स्थिति उसकी देखी हैं। ये जीवात्मा को देखा है, अब उसके नाम तो है नहीं, मगर मैंने अपने स्वरूप में देखा है, तो इसलिए मैंने जीवात्मा को देखा है। फिर उसके बाद अंडेकार आत्मा को, हम अंडे को आत्मा कहते हैं, तो आत्मा को देखा है। फिर एक दूसरा बनता हुआ एक अंडा ऊर्जा है, जिसे परमात्मा का नाम हमने दिया, तो हम उन्हें उसको भी देखा है, समझ में है। उसके बाद मैंने कंप्लीट ब्रह्मांड को बाहर से देखा है, इसलिए वो ब्रह्मांड चौथी स्थिति है। तो चार वो हैं, 23 अगर डार्क एनर्जी बता रहे हैं तो वो पदार्थ बता रहे हैं, 23 पदार्थ बता रहे हैं, तो अंडे हैं, तो ये पदार्थ है, अंडे के ऊपर आधारित है ऊर्जा जी, इसलिए वो 73 ऊर्जा को बता रहे हैं, वो ठीक है, वो भी ठीक है, 23 भी ठीक है। चार को तो मैंने देखा है, इसलिए चार बिल्कुल करेक्ट है, इसमें किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है, चार में तो कोई संदेह नहीं है। बाकी उसकी कैलकुलेशन जो है वो हमें देखनी पड़ेगी कि जीवात्मा क्या कह रही है, अंडाकार क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, उसकी नापने के। बाकी लगभग 23 भी पदार्थ है, ये सही है, और 73 उसकी ऊर्जा है, ये भी सही है। अच्छा, एक प्रश्न था, जो दृष्टा है, जो देख रहा है, ब्रह्मांड को भी देख रहा है, उसकी गति को देख रहा है, तो दृष्टा का और जो परमात्मा की ऊर्जा चल रही है जी, उस आत्मा के चारों तरफ, तो दृष्टा का और परमात्मा का क्या संबंध है? हाँ, एक दृश्य होता है, तो ये प्राकृतिक जो ये तीनों बना रहे हैं, ये निर्मित कर रहे हैं, अभी तो इस ब्रह्मांड में कोई चीज बनी ही नहीं है, क्योंकि अभी तो बनने का फार्मूला है ये, तो जो बनने का फार्मूला है, जो उसका तरीका है, वो तरीका ही अभी सामने आया है, अभी ब्रह्मांड नहीं बना। अब निर्मित कैसे होएगा, बने कैसे, इसमें बड़े बड़े ग्रह कैसे बनेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें कैसे बनेंगी, ब्रह्मांड में सौर मंडल कैसे चलें, ये सारे सब बनेंगे बाद में, इसमें कितने दिखाई देंगे, कितने नहीं दिखाई देंगे, ये सब चीज़ उसमें बाद में बनेगी। हमने तो एक निर्मित होने का एक फार्मूला बताया, तो वो जो फार्मूला इस तरीके का जो उसको देख रहा है, ये तीनों स्थिति प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है और जो इस प्राकृतिक को देख रहा है, जो जिसे शास्त्र पुरुष बोल रहा है, तो वो एक दृष्टा है। तो दृष्टा किस चीज को देख रहा है, दृष्टा उस चीज को देख रहा है जो दृश्य है, जो दृश्य है। तो परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा तीनों दृश्य हो, ये दृश्य है, ये दृष्टा के लिए दृश्य है। मगर हमारे लिए तो ये किया किसी साइंस के लिए बड़ा असंभव सी बात है, बड़ा मुश्किल, इतनी गहराई में जाना और वहां पे देखना। शर्मा जी, परमात्मा की जो इतनी ऊर्जा है जी, कि वो इतनी गति से सारी चीजें चला रहा है, उसमें इतनी गति दे रहा है, उस जिस अंडे की आप बात कर रहे हैं आत्मा के अंदर, तो उसकी ऊर्जा का दृष्टा के साथ कुछ संबंध है क्या? हाँ, उसकी ऊर्जा कहाँ से आ रही है? उसकी ऊर्जा तो अपने अंडे में से जो
जो उसकी अपने में ऊर्जा मौजूद है, जो चेतन पहला है जीव जी। वो अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है, वो अपनी ही उसके अंग हैं, तो वो अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है वहां पे, वो उसका भाग है ये एक। मगर दृष्टा उसको इसलिए दृष्टा को देखने वाला कि ये गति देखे तो कम से कम दृष्टा उसे देखने में कार्यरत है, उसका भी कार्य उस कार्य से उसका संबंध है जी। उसके कार्य से संबंध है क्योंकि जो कार्य कर रहा है और अगर उसको देख रहा कोई और देख करके उसमें ये कि इसमें क्या चीज होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब उसका सुप्रीमो उसका मालिक है जी। तो वो जो प्राकृतिक है और जो पुरुष है और जो दृष्टा पुरुष को शास्त्र दृष्टा बता रही है, दृष्टा बता रहा है, तो जो दृष्टा है उसका प्राकृतिक से संबंध है क्योंकि वो उसमें बनाने में ऐसा नहीं कि सहायक नहीं हो रहा। जहां पर जो चीज बन जाती है और जो चीज उसने निर्मित करी है, दृष्टा उसमें हमेशा रहता है जी। दृष्टा उसमें वही मौजूद होता है, तो दृष्टा मौजूद होता है मगर वो किसी भी दृष्टिकोण से स्पष्ट नहीं होता। स्पष्ट जब ही होएगा जब वो चीज जिसमें वो मौजूद है वो चीज जब फिनिशिंग करेगी, जब मरेगी या कोई चीज करे, तो वो वहां पर दृष्टा उस चीज से ऐसा नहीं है कि प्रभावित नहीं होता, दृष्टा भी प्रभावित होता है क्योंकि उससे अगल बगल ही रहता है, वो उसे जल्दी उस चीज को छोड़ता नहीं है जी। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में इस तरीके की ये चीज कही गई है कि भाई ये मरने के बाद में 13वीं करें 14वीं करें, ये जो चीजें आई हैं ये उसी वजह से आई हैं, दृष्टा की वजह से आई हैं कि वो दृष्टा जो है यहाँ पर इस तरीके की ये चीज ला सकता है। वो जो अगर दृष्टा उसको प्रेरित करेगा तो ये तीनों मिलकर के एकजुट होकर के कोई भी कार्य करने में सक्षम है। तो ये लोग सक्षम ये किसी तरीके का नुकसान ना करें, ये छिन्न भिन्न हो जाए, इनकी जो दृष्टि वैसी हो जाए, तो इसलिए ये सारे सिस्टम है ठीक है बनाए उन्होंने, मगर हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो एक जगह पे स्थित हैं, हमारे लिए मरना जीना एक समान है, तो हम तो बस कैसे क्रिएट हो रहा है बन रहा है और कैसे स्थित है और कैसे ये खत्म होएगा जाकर के, इसका फिनिशिंग पॉइंट है या खत्म होने का समय है, ये चीज अपने समझ में, इसलिए हम अपने दूसरे सिस्टम में। तो ये इस प्रकार का है। इन ब्रीफ, द डार्क एनर्जी कैन बी रेफर टू एज द एनर्जी ऑफ परमात्मा अकॉर्डिंग टू व्हाट शर्मा इज सेइंग, and dark matter is the matter which is already there in the atma, right? So this atma, the matter which is there in the atma, it is called dark matter, and the energy which it is experiencing or the energy of the paramatma which is circulating around it, it is around 73%, and according to yogic science the energy of Paramatma is dark energy and the matter in the Atma is dark matter. Thank you.